आज गोरिया बाबा के दरबार में बहुत बहुत भीड़ जुटा हुआ है। आज 12/12/2022 दिन सोमवार, आरा जिला में गोरिया बाबा हैं। आरा जिला आरा में आइएगा, जिन भाइयों को आना होगा तो आरा में आकर के आप पता लगा सकते हैं। आरा के बगल में एक गढ़हनी, आरा से 17 किलोमीटर के अंजाद, 18 किलोमीटर के अंजाद में है गढ़हनी, एक ब्लॉक पड़ता है थाना गढ़हनी, वहीं पर गुरिया बाबा का दरबार है। यहाँ पर शनिवार को 12 बजे के बाद से जिनको प्रॉब्लम होता है, रोग दुख होता है, पथरी होता है, बवासीर, गिल्टी, सफ़ेद दाग, खुजली, इस सब का जो होता है तो रविवार और शनिवार को देखा जाता है। और सोमवार मंगलवार को जिनको बाल बच्चा नहीं है उनको देखा जाता है। सोमवार मंगलवार और पूर्णवासी को बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, गोरखपुर, बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं, पंजाब से भी लोग आते हैं, हरियाणा से भी लोग आते हैं, बहुत बहुत दूर से आते हैं। हर समय रविवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार को यहाँ पर दिवस लगता है। तो जिन भाइयों को आना होगा तो आप आ सकते हैं, पथरी हुआ होगा चाहे जो भी प्रकार का दिक्कत है तो यहाँ पर आकर के निःशुल्क सेवा होता है, आकर के आप लोग दिखा सकते हैं गोरिया बाबा का दरबार में। कैसा भी पथरी होगा आप आकर के इलाज करा सकते हैं, 1 रुपया नहीं लगता है यहाँ पर गोरिया बाबा का दरबार में। बहुत बहुत लोग को जिनको बाल बच्चा नहीं है, यूट्यूब के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं, गोरिया बाबा पहरपुर आप लोग बोलिएगा तो आ जाएगा, नहीं तो आशीष अंजल ऑफिशियल के नाम से बोलिएगा तो आ जाएगा, उसी चैनल से के माध्यम से आप लोग देख कर आ सकते हैं। और जिनको ट्यूमर हुआ होगा वो भी आ सकते हैं। गोरिया बाबा के दरबार में सभी का कल्याण होता है। गोरिया बाबा का नंबर है 85 21 71 85 78 8 5 2 1 8 5 7 8 8 5 2 1 7 1 8 5 7 8 गोरिया बाबा का नंबर है। जिन भाई को आना होगा अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो आप आकर के भूत भ्रम जिसको होता है तो सोमवार मंगलवार को देखा जाता है। थैंक यू। बोलो गोरिया बाबा के, गोरिया बाबा के, गोरिया बाबा के, प्रेम से बोली गोरिया बाबा के, सच्चे दरबार के। सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद। और यहाँ पर 15 बरस से दिवास चलता है गोरिया बाबा के दरबार में। पहरपुर गांव है आरा जिला के बगल में, आरा जिला आइएगा, आरा प्रसिद्ध है, हर जिला में एक आरा जिला प्रसिद्ध है। आरा जिला में आकर के, आरा आकर के आप बात कर सके नहीं, सासाराम से आना होगा तो आकर के गढ़हनी उतरना है, अगर पटना से आ रहे हैं तो आरा उतरिए, और कहीं से भी आ रहे हैं तो आरा में आना पड़ेगा आपको। इधर से पश्चिम से आ रहे हैं तो आरा आना है, अगर दक्षिण से आ रहे हैं तो गढ़हनी आना है। नंबर से कंसल्ट कर सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से आप आकर के दिखा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।